सिरमौर के जिला उपायुक्त ललित जैन ने आम जनता की समस्याओं के मद्देनजर एक नई पहल की है जो लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। लोगों की शिकायत लिखने के लिए उपायुक्त कार्यालय में रेड क्रॉस हेल्प डेस्क लगाया गया है, जहां एक नोडल अधिकारी को भी नियुक्त किया गया है। सिरमौर के उपायुक्त ललित जैन ने अपने कार्यालय में आम लोगों की सुविधा के लिए एक रेड क्रॉस हेल्प डेस्क लगाया है, जहां एक नोडल अधिकारी को भी नियुक्त किया गया है। उपायुक्त कार्यालय पहुंचने वाले हर शख्स नोडल अधिकारी के जरिए डीसी को अपनी समस्या के बारे में सही तरीके से अवगत करवा सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लिखने में असमर्थ है तो नोडल अधिकारी द्वारा उसकी शिकायत लिखी जाती है, जिसके बाद व्यक्ति अपनी लिखित शिकायत लेकर डीसी से मुलाकात कर सकता है। डीसी ललित जैन ने बताया कि ऐसे लोगों की सुविधा के लिए पहल शुरू की गई है जो लिखित रूप में अपनी समस्या को लिखने में किसी कारण से असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि उपायुक्त कार्यालय में आने वाली हर समस्या को गंभीरता के साथ लिया जाता है और इसे ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी विभाग से जुड़ी समस्या पर एक हफ्ते के भीतर संबंधित विभाग से जवाब मांगा जाता है, जिसके बाद वो खुद समस्या पर समीक्षा करते हैं। वहीं उपायुक्त ललित जैन ने लोगों की सुविधा के लिए माई डीसी ऐप भी शुरू की है, जिसके जरिए लोग ऑनलाइन शिकायतें भी दर्ज करवा सकते हैं। डीसी ने कहा कि ऑनलाइन आने वाली सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है। उन्होंने कहा कि माई डीसी ऐप भी काफी कारगर साबित हो रही है। आज मेरे कार्यकाल को एक साल पूरा हो गया है जिले के अंदर, और मैं समझता हूँ यदि हम इफेक्टिवली कुछ कर पाए हैं तो वो रोबस ग्रीवेंस का जो मैकेनिज्म है जिले के अंदर वो हमने बनाया है। कोई भी व्यक्ति जिसको किसी प्रकार की शिकायत है किसी विभाग से, जब वो मेरे दफ्तर के अंदर आते हैं, एक नोडल अधिकारी हमने लगाया हुआ है। यदि वो नहीं लिख सकता, अनपढ़ है या उसको कोई कष्ट है, वो व्यक्ति उसकी कंप्लेंट को लिखता है उसके बिहाफ पे। उसके बाद उसको मेरे पास लाया जाता है, हम तुरंत उस पर फैसला करके संबंधित अफसर को स्कैन करके उसकी कंप्लेंट भेजते हैं। स्कैन करने के बाद हफ्ते का समय दिया जाता है, संबंधित अफसर हमें ईमेल के माध्यम से ही बताता है कि उस कंप्लेंट के ऊपर क्या गया। फिर जो अफसर की कार्रवाई है वो मेरे द्वारा रिव्यू की जाती है। यदि वो रिव्यू में नहीं ठीक है तो दोबारा भेजता हूँ पुनः विचार के लिए संबंधित अफसर को। इसके अलावा हमने माई डीसी नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसके द्वारा अपनी शिकायतें जनमानस डायरेक्टली मेरे तक भेज सकता है, और इसी एप्लीकेशन से मैं संबंधित विभाग को भेज देता हूँ। जनमंच हमारे यहाँ पर बहुत कामयाब है, क्योंकि तकरीबन हर 10 दिनों के बाद एक जनमंच की रिव्यू मीटिंग की जाती है। जो जो शिकायतों का निपटारा हुआ है उनको रिव्यू किया जाता है और अफसरों से पूछा जाता है कि इसके अंदर डिले क्यों है। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे लोगों ने बताया कि डीसी द्वारा स्थापित किया गया हेल्प डेस्क ऐसे लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है जो अपनी शिकायतें लिखने में असमर्थ हैं। उन्होंने बताया कि डीसी कार्यालय में दर्ज की गई हर शिकायत का समाधान हो रहा है। लोगों ने उपायुक्त की इस पहल की खूब तारीफ की। सर, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि जहाँ भी जो भी कोई आता है, हमारे जैसे अनपढ़ अगर कोई भी आते हैं तो यहाँ एप्लीकेशन लिखाई जाती है और तुरंत यहाँ से कार्रवाई की जाती है। मेरा अपनी मिसिज का है जो जिसमें की कार्रवाई चली है ग्राम पंचायत स्कूली से, तो इन्होंने तुरंत निर्णय लेने के लिए नोटिस जारी किया है। तो सर हमारे को तो यहाँ से बहुत मदद मिली है, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं और तुरंत यहाँ से ये हो जाता है। जी, अपनी समस्या लेकर आते हैं ना, तो जो भी अनपढ़ लोग भी होते हैं हमारे जैसे भी, तो यहाँ आके कंप्लेंट लिखवाते हैं, फिर यहाँ से कार्रवाई होती है फटाफट। क्यों, सरकार द्वारा जो स्कीम चलाई गई हो ये भी बहुत अच्छी चलाई गई, हमें यहाँ से बहुत पैसा भी, फंड भी मिला, यहाँ से रस्ते के लिए भी मिला। कुल मिलाकर उपायुक्त द्वारा शुरू की गई नई पहल काबिले तारीफ है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। उपायुक्त की इस पहल से अन्य जिलों को भी प्रेरणा मिलेगी। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।